गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शकील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट root system and types of root system and characteristic features of root. Now this lecture we have discussed about regions of root. Root has four regions. First, root cap, mulgop. Second, region of सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन, कोशिका विभाजन क्षेत्र या विभिज्योतकी क्षेत्र। थर्ड, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। फोर्थ, मैचुरेशन जोन, परिपक्वन क्षेत्र। अब हम इन चारों क्षेत्रों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है रूट कैप। रूट के एपिकल पोर्शन पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो रूट कैप कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, पैंडनस जिसे केवड़ा कहा जाता है, में मल्टीपल रूट कैप प्रजेंट होती है। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट कैप इज एब्सेंट एंड इंस्टेड ऑफ रूट कैप रूट पॉकेट्स आर प्रजेंट। फॉर एग्जाम्पल इन आइकोर्निया बड़ी जलकुंभी, पिस्टिया छोटी जलकुंभी एंड लेमना। अब हम देखते हैं रूट कैप के कार्य। तो इसका पहला कार्य है कि यह विभिज्योतकी क्षेत्र की मृदा के घर्षण से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है, रूट कैप कुछ ऐसे पदार्थों का श्रावण करती है जो मूल को मृदा में पेनिट्रेशन यानी भेदन करने में सहायता प्रदान करते हैं। रूट का सेकंड रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन, विभिज्योतकी क्षेत्र। यह क्षेत्र रूट कैप क्षेत्र के जस्ट पीछे स्थित होता है और यह क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक सेल विभिज्योतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं थिन वॉल्ड, मेटाबॉलिकली एक्टिव, उपापचयी रूप से सक्रिय एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान रहित होती है। कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाला स्थान इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के कार्य। तो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की कोशिकाएं हैं उनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है जिसके कारण नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। इस कारण से इस क्षेत्र द्वारा मूल की वृद्धि की जाती है। तीसरा क्षेत्र है जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। यह क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट पीछे स्थित होता है। यह कुछ मिलीमीटर लंबा क्षेत्र है। इसकी लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर होती है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करती है जिसके फलस्वरूप
रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। अगला क्षेत्र है सेल मैचुरेशन जोन, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। यह क्षेत्र सेल इलोंगेशन जोन के पीछे स्थित होता है। यह रूट का सबसे लंबा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं डिफरेंशिएट विभेदित होती है और परिपक्वन संपन्न होता है। इस क्षेत्र में कोशिकाएं विभिन्न स्थायी ऊतकों जैसे जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ोतक, स्थूल कोणों तक आदि में विभेदित हो जाती है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन रीजन, इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं। इस कारण यह क्षेत्र रूट हेयर जोन, मूल रोम क्षेत्र भी कहलाता है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एक कोशिकीय संरचना है। और रूट हेयर्स का निर्माण इस क्षेत्र की एपिब्लेमा कोशिकाओं से बाह्य वृद्धि आउटग्रोथ के रूप में होता है। रूट हेयर्स सोइल से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। इस स्लाइड में रूट के वेरियस रीजन्स दिखाए गए हैं। रूट के टिप पर रूट कैप स्थित है। उसके जस्ट पीछे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी सेल डिवीजन जोन स्थित है। इसके जस्ट पीछे रीजन ऑफ एलोंगेशन को दिखाया गया है और रीजन ऑफ एलोंगेशन से पीछे रीजन ऑफ मैचुरेशन दिखाया गया है। इस रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स को दिखाया गया है। इस स्लाइड में भी रूट के ये वेरियस रीजन्स दिखाए गए हैं। थैंक्स।